हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आज हम लोग क्लास सेवेंथ के थर्ड एक्सरसाइज ट्वेल्थ चैप्टर का जो कि है ट्वेल्व पॉइंट थ्री उसे करने जा रहे हैं पूरा डिस्कस और सॉल्व तो चलिए शुरू करते हैं ट्वेल्व पॉइंट थ्री एलज्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नंबर वन है हमें वैल्यू पुट करना है एम इक्वल्स टू टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम माइनस टू अगर m का वैल्यू टू होगा हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका m एम माइनस टू का यहाँ पे क्या होगा m के जगह पे जो m का वैल्यू दिया गया है जो कि है टू उसे हम पुट कर देंगे टू माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो उसी तरह से नेक्स्ट थ्री एम माइनस फाइव थ्री एम माइनस फाइव यहाँ पर भी m का वैल्यू पुट करेंगे थ्री इन टू एम के जगह पे टू माइनस फाइव थ्री टू जै सिक्स माइनस फाइव दैट इज़ वन उसके बाद थर्ड बीट नाइन माइनस फाइव एम थर्ड बीट का क्वेश्चन है नाइन माइनस फाइव एम उसी तरह से एम की जगह पे टू पुट करेंगे नाइन माइनस फाइव इंटू टू तो नाइन माइनस टेन हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन बड़े का साइन रहेगा टेन बड़ा है इसी आई भी थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस सेवन क्वेश्चन है थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस सेवन एम के जगह पे टू पुट करेंगे थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू माइनस सेवन देखिए अच्छी तरह से पुट कीजिएगा थ्री टू का स्क्वायर है फोर टू टू ज फोर माइनस सेवन ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सेवन तो ये आ जाएगा माइनस सॉरी वन वन आ जाएगा आंसर समझ में आया नेक्स्ट बिट v वाला बिट है फाइव एम बाई टू माइनस फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव एम बाई टू माइनस फोर तो m की जगह पे टू पुट होगा फाइव इंटू टू बाई टू माइनस फोर एस इस टाइप के क्वेश्चन को बॉडमास रूल से ही सॉल्व कीजिएगा ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिविजन देन जाके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो टेन बाई टू जो कि है फाइव माइनस फोर इक्वल्स टू वन लास्ट का भी आंसर आ जाएगा वन अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p इक्वल्स टू माइनस टू यहाँ पे भी वैल्यू ही पुट करना है p का वैल्यू अगर माइनस टू होगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अगर हम लोग p का वैल्यू माइनस टू पुट करेंगे तो इन सारे एक्सप्रेशंस में क्या आंसर होगा तो हम लोग निकालेंगे फर्स्ट फोर पी प्लस सेवन पहला वाला एक्सप्रेशन है p के जगह पे माइनस टू देखिए ब्रैकेट में रखते हुए p का वैल्यू पुट कीजिएगा एक भी स्टेप नहीं छोड़िएगा क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा तो फोर इंटू माइनस टू माइनस एट प्लस सेवन आ गया आंसर माइनस वन नेक्स्ट एक्सप्रेशन माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस सेवन पी की जगह पे माइनस टू पुट होगा माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस सेवन एक भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर इंटू माइनस टू आ जाएगा माइनस एट प्लस सेवन समझ में आया अभी फोर माइनस थ्री इंटू फोर माइनस टूवेल्व माइनस एट प्लस सेवन प्लस माइनस माइनस एट आया तो माइनस ट्वेल्व और माइनस एट आ गया माइनस ट्वेंटी प्लस सेवन उसके बाद आ गया माइनस थर्टीन प्लस माइनस वाला वो आप पूरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट बिट क्वेश्चन है माइनस टू पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस सेवन और यहाँ पर भी पुट करना है वैल्यू p इक्वल्स टू माइनस टू देखिए जब भी हम लोग p का वैल्यू माइनस टू पुट कर रहे हैं क्यूब है स्क्वायर है उसे हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और अच्छी तरह से सॉल्व करके लिखेंगे माइनस टू माइनस टू का क्यूब थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस सेवन समझ में आया अभी देखिए माइनस टू का क्यूब कितना होगा माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू आ गया माइनस एट देखिए माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू हम जब करेंगे माइनस टू का क्यूब टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट बट साइन किसका आएगा जबकि पावर ऑड है तो साइन आएगा माइनस का अगर पावर इवन है तो साइन आएगा प्लस का देखिए माइनस टू का स्क्वायर आया प्लस फोर उसी तरह से फोर इंटू माइनस टू प्लस सेवन अभी टू इंटू एट सिक्सटीन माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस ट्वेल्व माइनस एट प्लस सेवन समझ में आएगा प्लस माइनस के साइन को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस में सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व आ गया फोर माइनस एट प्लस सेवन फिर फोर माइनस एट माइनस फोर प्लस सेवन आंसर आ गया थ्री आप लोगों का समझ में आया अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री में जाने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा माइन किसी का भी स्क्वायर हो क्यूब हो अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन वाला आंसर अगर किसी का भी पावर इवन है देन पॉजिटिव साइन वाला आंसर समझ में आया कुछ एग्जांपल देख लीजिए देखिए माइनस वन का अगर हम लोग टू दी पावर फाइव करेंगे पावर ऑड है आएगा माइनस वन आंसर अगर माइनस वन टू दी पावर फोर है इवन पावर तो आंसर आएगा प्लस वन समझ में आया अभी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस सेम वैल्यू पुट करना है इफ़ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एक्स का वैल्यू दिया गया है माइनस वन हमें एक्सप्रेशन में पुट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन टू एक्स माइनस सेवन एक्स पे एक्स के जगह पे माइनस वन पुट होगा टू इंटू माइनस वन माइनस सेवन टू इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस टू माइनस सेवन माइनस माइनस होता है प्लस ये आ जाएगा आंसर माइनस नाइन समझ में आया नेक्स्ट बिट माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू देखिए माइनस तो एक ऑलरेडी प्रेजेंट है हमें माइनस को छोड़ते हुए फिर एक्स का वैल्यू पुट करना है एक्स का वैल्यू है माइनस वन देखिए एक्स का वैल्यू है माइनस वन हमें क्वेश्चन में दिया गया माइनस उसे हटाना नहीं है प्लस टू माइनस माइनस हो गया प्लस वन प्लस टू दैट इज आंसर आ गया थ्री अभी थर्ड बीट की तरफ चलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन थर्ड बीट है एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर टू इन टू माइनस वन ब्रैकेट में प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा वही और इवन को देखते हुए आ जाएगा प्लस वन प्लस माइनस टू प्लस वन तो ये आ गया प्लस टू माइनस टू कैंसिल होके आ जाएगा आप लोगों का आंसर जीरो समझ में आया नेक्स्ट आई भी वाला बिट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन देखिए माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है एक्स का वैल्यू है माइनस वन एक भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा कि हम लोग ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे या और कुछ तो टू इंटू वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया एंसर बचा वन अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है इफ़ ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू माइनस टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ़ यहाँ ए का एक वैल्यू और बी का एक वैल्यू दिया गया है और हमें उसे एक्सप्रेशन्स में पुट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करेंगे और बी के जगह पे बी का वैल्यू टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर तो माइनस टू इंटू माइनस टू पावर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में प्लस फोर तो आ गया आंसर एट अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे टू का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी टू इंटू माइनस टू और माइनस टू का स्क्वायर समझ में आया देखिए प्लस माइनस को ध्यान देते हुए इन नंबर्स में बनना एक गलत हो जाएगा तो गलत हो जाता है उसके बाद टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस टू और माइनस टू का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर है फोर टू इंटू माइनस टू आया माइनस फोर ब्रैकेट में रख लेंगे प्लस फोर प्लस फोर माइनस फोर को कैंसिल कर लेंगे प्लस फोर माइनस फोर फोर माइनस फोर दैट इज ज़ीरो कैंसिल हो गया बाकी बचा फोर अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर जो कि है टू का स्क्वायर माइनस को माइनस रहेगा फिर बी का स्क्वायर जो कि है माइनस टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर आ जाएगा कितना फोर माइनस को माइनस रहा माइनस टू का स्क्वायर ये भी है फोर समझ में आया फोर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो आंसर अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ एक्स इज इक्वल्स टू टू हमें वैल्यू निकालना है अगर एक्स का वैल्यू है टू फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स प्लस सेवन प्लस फोर एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट में है देखिए जब ब्रैकेट में कुछ दिया गया हो पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करके उसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हैं वरना आप लोग डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा कुछ गलत नहीं आएगा डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हुए सॉल्व किया है तो टू प्लस सेवन प्लस फोर टू माइनस फाइव तो टू माइनस फाइव।, तो फाइव आ गया माइनस थ्री सेवन प्लस टू नाइन और ये आ गया माइनस ट्वेल्व तो आ गया आंसर प्लस माइनस माइनस होगा ट्वेल्व से नाइन जाएगा आएगा थ्री साइन किसका रहेगा साइन रहेगा बड़े का ट्वेल्व बड़ा है इसलिए माइनस का साइन सेकेंड एक्सप्रेशन है थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन देखिए अगर आप लोग चाहें तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें मतलब थ्री एक्स थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स प्लस को प्लस रहा थ्री इंटू टू सिक्स बनना वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दीजिए एक्स के जगह पे सेम ही आंसर आएगा कुछ गलत नहीं आएगा हुआ समझ में आया थ्री इंटू फोर प्लस टेन माइनस सेवन उसके बाद थ्री फोर जो आ गया ट्वेल्व प्लस टेन माइनस सेवन तो टेन प्लस ट्वेल्व आ गया ट्वेंटी टू माइनस सेवन जो कि आंसर आ गया फिफ्टीन आप लोगों का समझ में आया अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टू ब्रैकेट में सेम अभी फिर वैल्यू पुट करेंगे सिक्स इंटू एक्स एक्स का वैल्यू है हम लोगों का टू तो सिक्स इंटू टू सिक्स इंटू टू प्लस फाइव ब्रैकेट में टू माइनस टू समझ में आया टू माइनस टू आ जाएगा ज़ीरो सिक्स इंटू टू जो कि है ट्वेल्व और फाइव इंटू ज़ीरो तो आ गया आंसर टूल्व समझ में आया अभी आई भी वाला बिट फ़ोर टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवन नेक्स्ट फोर टू इंटू टू माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू प्लस इलेवन तो फोर ब्रैकेट फोर माइनस वन प्लस सिक्स प्लस इलेवन समझ में आया तो फोर इंटू थ्री प्लस सिक्स प्लस इलेवन आ गया सेवेंटीन टवेल्व प्लस सेवेंटीन आंसर आ जाएगा ट्वेंटी नाइन समझ में आया मैंने गलती से फोर के बाद सिक्स नंबर कर लिया फ़ाइव को कर लेंगे फाइव फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम ही है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू माइनस वन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टू ए प्लस टू बी टू ए टू इं ज़ीरो टू इंटू माइनस वन ए के जगह पर ए का वैल्यू पुट करेंगे और बी के जगह पर बी का वैल्यू पुट करेंगे तो टू इंटू जीरो आ गया जीरो प्लस माइनस टू तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा आप लोगों का आंसर समझ में आया उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है सेकेंड बिट अभी नेक्स्ट बिट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन तो टू ए स्क्वायर ए के जगह पे ए का वैल्यू जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन फर्स्ट एक्सप्रेशन जीरो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा वन प्लस वन आ गया आंसर टू थर्ड एक्सप्रेशन टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी तो ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह पे बी का टू तो इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस वन प्लस टू इंटू ज़ीरो माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो इंटू माइनस वन देखिए सभी एक्सप्रेशन में जीरो हो तो डायरेक्टली ज़ीरो आंसर आ जा रहा है समझ में आया अभी नेक्स्ट बिट आई भी आई भी वाला एक्सप्रेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस टू ए के जगह पे ए का वैल्यू जो कि है जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो इंटू माइनस वन प्लस टू फर्स्ट एक्सप्रेशन जीरो सेकेंड एक्सप्रेशन भी ज़ीरो इंटू माइनस वन आ जाएगा ज़ीरो बचा खाली प्लस टू प्लस टू आंसर आ जाएगा प्लस टू आप लोगों का समझ में आया वैल्यू को अच्छी तरह से पुट करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी तो क्वेश्चन नंबर सेवन है इफ़ एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड ए इक्वल्स टू माइनस वन बी इक्वल्स टू माइनस टू सिंपलीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू पहला एक्सप्रेशन थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस नाइन थ्री इंटू एक्स थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस नाइन एक्स की जगह पे थ्री पुट कर लिए हम लोगों ने थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट प्लस नाइन आंसर आ गया टेन नेक्स्ट एक्सप्रेशन नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू माइनस एट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर समझ में आया यहाँ भी एक्स का ही वैल्यू पुट करना है ए और वैल्यू का कोई नाम नहीं है तो टू इंटू एट इंटू थ्री प्लस फोर इंटू थ्री प्लस फोर तो टू माइनस एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर प्लस फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व प्लस फोर टू माइनस ट्वेंटी फोर आ गया ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व और प्लस फोर उसे कर लिए हम लोग प्लस सिक्सटीन अभी ये कितना आएगा माइनस सिक्स देखिए माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि ट्वेंटी टू बड़ा है समझ में आया अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन थर्ड वाला थर्ड वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली मुझसे गलत हो गया है वैल्यू पुट के टाइम इसीलिए मैंने उसे स्कीप कर लिया है आई वी को चलते हैं टेन माइनस थ्री बी माइनस फोर माइनस फाइव बी तो अभी वैल्यू को पुट कर लेंगे वी का वैल्यू है माइनस टू उस हिसाब से पुट करेंगे तो टेन थ्री इंटू माइनस टू आ गया माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर फाइव इंटू माइनस टू आ गया माइनस टेन समझ में आया तो टेन माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस फोर माइनस माइनस प्लस टेन तो टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन माइनस फोर माइनस टेन आ गया प्लस सिक्स माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन आ गया बड़े का तो आंसर आ गया ट्वेंटी टू लास्ट बिट वी टू ए माइनस टू बी माइनस फोर माइनस फाइव प्लस ए यहाँ बोथ ए और वैल्यू बी दोनों का वैल्यू पुट करना है तो अभी करेंगे ए का वैल्यू है माइनस वन और बी का वैल्यू है माइनस टू माइनस फोर माइनस फाइव और ए का वैल्यू माइनस वन तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस फोर ये आ गया माइनस नाइन माइनस वन समझ में आया तो माइनस टू प्लस फोर माइनस टेन माइनस नाइन और माइनस वन आ गया माइन माइनस टेन आंसर आ गया माइनस एट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इफ़ जेड इज इक्वल्स टू टेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यूब माइनस थ्री ब्रैकेट स्टार्ट जेड माइनस टेन अगर जेड का वैल्यू टेन है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा तो टेन का क्यूब माइनस थ्री इंटू टेन माइनस टेन तो टेन का क्यूब आ गया थाउजेंड माइनस थ्री इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन टेन का क्यूब है तो गया, into 0. तो आ गया था इंटू जीरो का आंसर अभी अभी में भी और एक क्वेश्चन है if P is equals to minus 10, अभी हम लोग अगर P का वैल्यू लेंगे तो एक्सप्रेशन कितना होगा माइनस टेन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टेन माइनस हंड्रेड माइनस टेन का स्क्वायर आ जाएगा हंड्रेड माइनस टेन इंटू माइनस टेन देखिए ऊपर इवन है इसीलिए प्लस का साइन प्लस ट्वेंटी माइनस हंड्रेड माइनस हंड्रेड प्लस हंड्रेड कैंसिल आंसर आ गया ट्वेंटी अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द वैल्यू ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू फाइव देखिए पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू दे दिया गया है एक्स इक्वल्स टू जीरो भी दे दिया गया है इक्वल्स टू फाइव भी बोल दिया गया है तो एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे ए को ए ही रखेंगे दोनों एक्सप्रेशन जीरो आ गया माइनस ए इक्वल्स टू फाइव तो माइनस ए इक्वल्स टू फाइव अगर आएगा और इस माइनस को हम लोग उस तरफ ले लेंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा आंसर ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस फाइव लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू वैन ए इक्वल्स टू फाइव एंड बी इक्वल्स टू माइनस थ्री तो वैल्यू दे दिया गया है एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन में अभी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट करेंगे टू इन फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री अभी देखिए फाइव का स्क्वायर टू इंटू फाइव का स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू माइनस थ्री आ गया माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस फिफ्टीन समझ में आया अभी इसे सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन को आ गया ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन 3 minus minus 15. 2 25 15, 10, प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन टू इंटू ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन आ गया टेन प्लस थ्री प्लस फिफ्टीन तो नेक्स्ट आ गया ट्वेंटी टू इंटू टेन प्लस थ्री इंटू फिफ्टीन ये आ गया थर्टी एट आंसर आप लोगों का समझ में आया देखिए आप लोग कोई भी डाउट हो तब भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और आप लोग सिक्स टू एट तक मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं कौन सा चैप्टर कवर करूं जो कि आप लोगों के लिए एनुअल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो क्योंकि आगे जाके एनुअल एग्ज़ाम है कि मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर